हेलो दोस्तों, मैं हूं चंगल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी या गुड एस्पिरेंट है दोस्तों, उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। रेलवे से संबंधित दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। देख सकते हैं दोस्तों, रेलवे भर्ती में घोटाले की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों एक बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। यहाँ पे ये दोस्तों दैनिक भास्कर के द्वारा दोस्तों आज ही ये न्यूज पब्लिश किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, धनबाद रेलवे में भर्ती घोटाला। झारखंड बिहार से दर्जनों युवाओं के पैसे लेकर थमाया फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, कई अफसर शक के घेरे में। देखिए दोस्तों, यहाँ फर्जी ज्वाइनिंग लेटर की बात की गई है दोस्तों, कई अफसर भी शक के घेरे में है दोस्तों। सीबीआई भी दोस्तों इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपको दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल में मामला समझाने वाले हैं दोस्तों, कि आखिर दोस्तों मामला क्या है और ये फर्जी जो ज्वाइनिंग लेटर का मामला हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पर देखने को मिला है और किस तरीके से मामला हुआ है दोस्तों, और इसमें कई अफसर अगर शक के घेरे में है तो कैसे हैं। चलिए दोस्तों, उससे पहले यार, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर में आज के डेट में दोस्तों ये न्यूज पब्लिश हुई है। देख सकते हैं, 8 घंटे पहले की न्यूज है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, धनबाद रेलवे में भर्ती घोटाला। झारखंड बिहार के दर्जन युवाओं को पैसे लेकर थमाया फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। कई अफसर शक के घेरे में। सीबीआई में केस, मतलब दोस्तों सीबीआई इन्वॉल्व हो चुकी है दोस्तों इस केस में, और इस केस की दोस्तों तहकीकात अभी कर रही है। देख लेते हैं दोस्तों पूरा न्यूज क्या है, मामला क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे भर्ती की बोर्ड की तर्ज पर बांटे गए नियुक्ति के पत्र, मतलब ज्वाइनिंग लेटर बांटने की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। सीबीआई की ओर से जांच की जा रही है। आरोपी अभी फरार है दोस्तों, मतलब ये जो है आरोपी दोस्तों, ये अभी फिलहाल गिरफ्त में नहीं है, फरार है। उसके बाद देखिए दोस्तों पूरा मामला क्या था। यहाँ पे देखिए, झारखंड के धनबाद रेल भर्ती घोटाला। कोडरमा के पास टनुकप्पा में टेक्नीशियन के पद पर तैनात शशि भूषण कुमार ने, देखिए दोस्तों ये रेलवे कर्मचारी थे दोस्तों, टेक्नीशियन के पद पर तैनात थे वर्तमान में शशि भूषण कुमार, इनके द्वारा दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। रेलवे ट्रीटमेंट बोर्ड की तर्ज पर बहाली की दुकान खोल रखी थी दोस्तों, ये मतलब यार ये बिजनेस की तरह चला रहे थे दोस्तों, लगातार इस टाइप के घोटाले कर रहे थे। उसने अभ्यर्थी को फंसाकर आवेदन मंगाया दोस्तों, 6 से 9 लाख रुपए लेकर हाजीपुर के सीरियल जनरल डिवीजन पर्सनल ऑफिसर के पद पर जारी रिपोर्ट में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया दोस्तों। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर का पूरा मामला है दोस्तों, रेलवे कर्मचारी थे यार, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अफसरों के द्वारा ही पूरे मामले को दोस्तों अंजाम दिया गया। इसमें वेतनमान दोस्तों 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 में निर्धारित किया गया था दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों, जब अभ्यर्थी पूर्व मध्य रेलवे धनबाद बरौनी सोनपुर हाजीपुर बेगूसराय स्टेशन पर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे, तो फर्जीवाड़े का यहाँ पर खुलासा देखने को मिला दोस्तों। अभ्यर्थियों की शिकायत पर हाजीपुर मंडल ने रेलवे विजिलेंस की जांच पर एक बड़े रैकेट के अधिकारियों में संलिप्तता में चट्टारी मिली दोस्तों, मतलब इससे और भी बहुत सारे ऑफिसर दोस्तों संलिप्त हो सकते हैं। इसकी दोस्तों फिलहाल जांच सीबीआई कर रही है। देख सकते हैं, इसके बाद 31 जनवरी को सीबीआई ने शशि भूषण समेत अन्य अज्ञात खिलाफ एफआईआर दर्ज करके दोस्तों इस जांच प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। देख सकते हैं आप, उसके बाद दोस्तों पूरी प्रक्रिया, और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, नियुक्तियों के नाम पर ठगी, कुछ ऐसा समझे पूरा मामला। देख सकते हैं दोस्तों, 2019 से लेके 21 तक दोस्तों ये ठगी का खेल बिल्कुल ऐसे ही चला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, शिकायत मिलने पर दोस्तों विजिलेंस जांच शुरू की गई। सीबीआई इन्वेस्टमेंट ने दोस्तों 28 दिसंबर को भेजी थी वेरिफिकेशन रिपोर्ट। 28 दिसंबर से ही दोस्तों सीबीआई इसमें इन्वॉल्व है, और वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है दोस्तों 28 दिसंबर को ही भेजी जा चुकी थी। सीबीआई ने गत वर्ष में कई केस रेफर हुआ है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों इससे पहले भी यार, जब एनसीईआरटी फर्जीवाड़ा का जो मामला था दोस्तों, इसके ऊपर मैंने जब वीडियो बनाया था, उसमें भी दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे केसेस के बारे में दोस्तों मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। आप दोस्तों वीडियो जाके देखिए, वहां भी बिल्कुल इस टाइप के ही मामले देखने को मिले थे। 31 जनवरी 2022 को पटना में सीबीआई में एफआईआर दर्ज किया था दोस्तों। उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूज देखिए, 12 अभ्यर्थियों ने सीबीआई के दिए 45 लाख रुपए देने के सबूत। यार बहुत बड़ी रकम होती है यार, 45 लाख रुपए 12 अभ्यर्थियों ने दिया है यार। यहाँ पे देखिए, ठगी से शिकार 12 अभ्यर्थियों ने सीबीआई के पटना ऑफिस पहुंचकर शशि भूषण को 45.45 लाख 60 हजार रुपए दोस्तों देने के सबूत पेश किए हैं। यार कितनी बड़ी घोटाला है आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें धनबाद के साउथ बलिहारी कुसुंडा से रहने वाले 2 सगे भाई अप्पू कुमार और योगेंद्र कुमार भी शामिल है। इन अभ्यर्थियों ने पैसे देने के सबूत के साथ कुछ वीडियो के भी जांच एजेंसी को दिए हैं दोस्तों, मतलब वीडियो भी बना रखे थे यार इन्होंने दोस्तों, वीडियो फुटेज भी जांच एजेंसी को सौंपा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नेक्स्ट देखिए, आरोपी की पत्नी बोली, पैसे मांगे तो रेप के केस में फंसा दूंगी। मतलब यार ये इस हद तक मामला चला गया था दोस्तों, आप देख सकते हैं यार कितनी बड़ी धांधली और घोटाले को दोस्तों अभी भी लगातार अंजाम दिया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहा है, टेक्नीशियन ने पैसे देने वालों को लिख कर दिया कर्ज ले रहा हूं। एफआईआर दर्ज कराने से सीबीआई इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने प्रारंभिक जांच की। इसे पता चला कि आरोपी टेक्नीशियन शशि भूषण कुमार ने
अभ्यर्थियों को कई किस्तों में पैसे लिए उन सभी की मेडिकल जांच धनबाद रेलवे अस्पताल में कराई गई। दोस्तों तीन अभ्यर्थियों ने 9,20,000 रुपए अपने खातों में ट्रांसफर कराए, अन्य से 36 लाख कैश लिए। उन्हें लिखकर दिया कि पैसे कर्ज में ले रहा हूं, कर्ज ना चुका पाया तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूं। मतलब यार देख सकते हैं दोस्तों किस हद तक मामला चला गया है यार। लगातार दोस्तों इस प्रकार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है दोस्तों अलग अलग जगहों में यार। हर साल दोस्तों अलग अलग टाइप के यार इस टाइप के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है इस टाइप की जालसाजी या धोखेबाजी में बिल्कुल भी फंसकर दोस्तों पैसे बर्बाद ना करें यार। रेलवे दोस्तों कभी भी इन चीजों का समर्थन नहीं करती दोस्तों। अगर यार ऐसी टाइप की कुछ चीजें होगी भी दोस्तों, अगर आपको सच में जॉब मिलने वाला हो दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है यार, तो बिल्कुल ऑफिशियल साइट पे चेक कीजिए दोस्तों, वहां आपको ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा, न कि दोस्तों इन लुटोरियो या सटोरियो के द्वारा दोस्तों। ठीक है यार, आरआरबी भी हमेशा आपको सचेत करती रहती है दोस्तों। जिस भी आरआरबी को वेब पेज ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख क्या रहा है, रेलवे भर्ती बोर्ड अहमदाबाद, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, सावधान, झांसे में ना आना, अपना विवेक लगाना, कोई बिचौलिया, दलाल अथवा जाप रैकेट्स आपको रेलवे में नौकरी नहीं दिला सकता। आरआरबी भी दोस्तों लगातार आपको सचेत करती रहती है यार। फिर दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है ऐसे दलालों से सावधान रहे और मन लगाकर तैयारी करिए। और यार जिस भी टाइप की आपको अपडेट है दोस्तों, वो सिर्फ आरआरबी के ऑफिशियल साइट में जो अपडेट देखने को मिले उन्हीं बातों पर यकीन करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज दिल से लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।